So hello Hamisha, how are you? I am absolutely fine. How are you? I am also good. So where are you now? I'm currently in Tbilisi, Georgia. Okay, and what is the name of your university? So my university is Caucasus International University, that is CIU, the abbreviation. Procedure to take admission, how you approach and why you choose Georgia? Okay, so firstly, सबको पता transfer student हूँ मैं, ठीक है, because of the war. Initially MBBS के लिए I was applying first year में, तब भी Georgia was an option. Okay. But comparatively उस वक्त मुझे Ukraine better लगा because of many factors. So I chose Ukraine at that time. But अभी Ukraine का तो option बचा नहीं था, so I had options Georgia, Russia, Uzbekistan and other stuff. But I chose Georgia. Initially मेरा रशिया जाने का भी हुआ था, but there were many factors कि फिर मुझे वहाँ का it was not fitting into my criteria. क्या different मिला तुम्हें Ukraine के comparison में वहाँ जाने के बाद? Ukraine में it was like पूरा the pattern was based on self study. The teachers used to give you the topic, आपको खुद से prepare करना है, and the next class they'll ask you viva होगा oral. ठीक है, यहाँ पे the thing is the teachers actually teach you. यहाँ पे आपके प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं हर एक, यहाँ पे जो ओरल वाइवा वाला सेशन रहता है ना, दैट इज नोन एज सेमिनार सेशन. आपका उसके पहले हर एक क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला आपका लेक्चर का पार्ट होगा पहले के डेढ़ दो घंटा, बाद का जो एक घंटा बचेगा वो आपका सेमिनार पार्ट रहेगा, दैट इज द ओरल वाइवा पार्ट. तो पहले टीचर्स आपको एक्चुअली पढ़ाएंगे. यूक्रेन में ज्यादातर डिस्कशन होता था, यहाँ पे टीचर्स आपको एक्चुअली पढ़ाते हैं. तुम्हारा कोई सेमेस्टर बैक भी लगा यहाँ से जाने के बाद? नहीं, मेरा सेमेस्टर बैक नहीं लगा, बट एक्चुअली सीन क्या हुआ ना, मेरा यूक्रेन में सिक्स सेमेस्टर खत्म हुआ था, यहाँ पे मुझे सेवन सेम में एडमिशन मिलना चाहिए था, उसी में मिला. बट वो स्प्रिंग इनटेक होता है ना, उसमें हुआ एडमिशन, मतलब हमारा मार्च से स्टार्ट हुआ है. ओके, तो हमारा अभी सेवन सेम चल रहा है, हमारा ये सेम नेक्स्ट मंथ दैट इज जुलाई एंडिंग में खत्म हो जाएगा. Then हमारा 8th semester will start from October. तो अभी hospital वगैरह visit कर रहे हो? सारी मेरी hospital की classes है. In 7th sem it's like सारे classes आपके hospital के होंगे, कोई भी आपका university वाला class नहीं होगा. Okay. सिर्फ rotations चलेंगे आपके. तो patient दिखाते हैं? हाँ, proper. यहाँ पे patient interaction भी बहुत अच्छा. Hospitals are also really nice. बहुत अच्छा है सब कुछ. Okay. तो अभी कितने student हो आप लोग जो transfer लेके गए? यहाँ पे तो बहुत सारे है. Like whole of Kharkiv is transferred here only. अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हो, हॉस्टल या अपार्टमेंट? अपार्टमेंट. और हॉस्टल में क्या डिफरेंस चार्जिंग? See, it's almost the same. मतलब अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है, अभी तो करेंटली वॉर की वजह से सब जगह प्राइसेस बढ़े हुए हैं. अभी मेरा जो फ्लैट है दैट इज फॉर 1 BHK है, एंड द रेंट इज 400 USD. तो हम लोग दो लोग रहते हैं तो 200-200 पर रेंट आ जाता है. अगर आप हॉस्टल का देखने जाओगे तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम पूरे महीने का, 275 USD कुछ जगह पर, कुछ जगह पर उससे थोड़ा कम है ऐसे, मतलब पर हॉस्टल और फ्लैट का इक्वली बैठ जाता है, थोड़ा 19-20 ऐसा. खाने का खुद ही बनाते हैं हम लोग. उसका मंथली एक्सपेंस अराउंड, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70-80 डॉलर इतना आ जाता है, लाइक पूरे मंथ का ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग, घर का सब कुछ. तो मतलब कुल मिला के $350 मिनिमम चाहिए. हाँ, पर मंथ के लिए उसके लिए. और ये साल की फीस कितनी है? 5,500 USD. अच्छा, टीचरों को कैसी नॉलेज है या फिर इंग्लिश कैसा बोलते हो लोग? कैब ड्राइवर से लेके किसी को भी, सबको इंग्लिश आती है. लैंग्वेज बैरियर का इतना कुछ भी नहीं है, इंग्लिश सबको आती है. थोड़ा बहुत तो ट्रांसलेटर आप यूज कर ही सकते हो. Okay. पर टीचर्स की भी इंग्लिश इज रियली गुड, सब कुछ, लाइक फ्लुएंसी भी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी जैसे कुछ डिफिकल्टी होती थी ना यूक्रेन में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. दे आर रियली गुड विद इंग्लिश. ओके, और शहर कैसा लगा? सिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग. कैपिटल सिटी ऑब्वियसली बड़ी है, बहुत ज्यादा मेट्रो सिटी है ये. Okay. So, Valencia was really small, छोटा था. यहाँ पे it is nice, बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे है. They are really happy to see Indian people here. Okay. Like, to my surprise, Ukraine में भी they were happy, ऐसा नहीं है. अभी आपके मतलब 6th year का program है ना पूरा, तो 3 साल और पढ़ोगे? पूरा 6 साल का. तो अभी कौन से subject चल रहे हैं आपके 4th year में? अभी मेरा internal med का rotation चल रहा है, cardiology and pulmonary system का, and obs and gyn हुआ, urology and clinical skills in obs and gyn, anesthesiology, surgery,
आई गेस इतना ही, 7-8 रोटेशंस है मेरे. मतलब ऐसा बर्डन तो नहीं आता पूरा, मतलब क्योंकि क्लिनिकल रोटेशन. नहीं, यहाँ पे पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ मेरी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली, और यूनिवर्सिटीज का भी आई गेस सेम ही है. आप अपने टाइम के हिसाब से जब आपको जो भी क्लास लेनी है या जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में, आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल है, आप जाके डीन ऑफिस जाके चेंज करा सकते हो जो जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है. पर हम लोग अभी जैसे थोड़ा लेट आए थे, ठीक है, तो हमारी एक महीने में 2 रोटेशन चल रहे हैं, तो मैक्सिमम एक महीने में 2 रोटेशन से ऊपर नहीं चलता, 2 से 3 रोटेशन, दैट्स इट. ओके. और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है यूनिवर्सिटी का, हॉस्पिटल्स का? यूनिवर्सिटी इज रियली नाइस, बहुत अच्छा है. मतलब हम लोगों की क्लासेस नहीं लगी है, बट वी हैव बीन टू द यूनिवर्सिटी फॉर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, सो इट इज रियली नाइस. कैंपस इज वेरी ह्यूज एंड टीचर्स हमारे मतलब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. इनफैक्ट वो सब बोल, मतलब आपके रोटेशंस खत्म भी हो जाए उस सब्जेक्ट के. फॉर मी स्पेसिफिकली मुझे ऑब्जेक्ट लाइन में बहुत इंटरेस्ट है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यू कैन टेल द टीचर, वहाँ पे सर्जरी चल रही है, यू कैन जस्ट कॉल अप द टीचर कि हम आ सकते हैं क्या. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी क्लास खत्म हो गए तो आप जा नहीं सकते हो वापस, सब कुछ देख सकते हो आप जाके. अभी बल्क ऑफ स्टूडेंट आई गेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ट्रांसफर्स आए हैं, 4 से 5 हजार बच्चे अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे लगता है तो आए ही होंगे ट्रांसफर, क्योंकि मोस्टली रशिया एंड जॉर्जिया है, थोड़े थोड़े उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान गए, जो बल्क स्टूडेंट्स है वो रशिया जॉर्जिया में गए हैं. तुमने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की? बहुत सारी है, SEU है. एक्चुअली यूनिवर्सिटीज बहुत सारी थी, मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज. मुझे पहले DTMU में जाना था क्योंकि उनका पैटर्न वॉज USMLE पैटर्न, ठीक है, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग ट्रांसफर स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के बाद के. ओके. सो वो शॉर्ट मतलब निकल गई. फिर मेरे लिस्ट में बची थी SCU, दैट इज जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी, एंड CIU. तो SCU भी बहुत अच्छी है, बट उसमें यह सीन था ना कि अभी तक वहां से एक भी बैच फॉरेन स्टूडेंट्स का पास आउट हुआ नहीं था, तो उनका जो पासिंग रेशियो वो सबका कुछ आइडिया नहीं था. यहाँ से 2-3 बैचेस हैव ऑलरेडी पास्ड आउट एंड रेशियो इज ऑल्सो गुड, एंड मेरे लाइक कुछ नोन्स भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो फिर आई चूज दिस यूनिवर्सिटी. ओनली इसका रिव्यू भी अच्छा था, एवरीथिंग वॉज नाइस, सो आई स्पेसिफिकली चूज दिस यूनिवर्सिटी. तो अभी न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं, कोई मतलब एक सिलेक्टिव क्राइटेरिया है या फिर ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए अलग है या उनके लिए भी सेम है? न्यू स्टूडेंट आता है तो जैसे यूक्रेन के लिए था कि यू मस्ट बी नीट क्वालिफाइड, दैट्स इट, और आपका 10-12 का जो रिजल्ट है, दैट्स इट. और कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है उन लोगों के लिए. एंड अगर आप ट्रांसफर स्टूडेंट हो तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए अपनी, और फिर क्रेडिट मैच के अकॉर्डिंग फिर आपको मिल जाएगा. जो टाइम लेता है वो सबसे ज्यादा वो वीजा लेता है जॉर्जिया में आने के लिए. Okay. कुछ कुछ का जल्दी भी आ जाता है, 1-1.5 महीना, डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है, स्लॉट्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है. तो ये फीस वगैरह का क्या सिस्टम, कैसे पे करते हो? फीस तो डायरेक्ट लाइक इंडिया से पेरेंट्स दे पे डायरेक्टली हियर USD में. ओके. और यू कैन यहाँ पे आप जाके कैश भी दे सकते हो. वहाँ कोई रिसर्च वगैरह भी है क्या, मतलब अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो रिसर्च फील्ड में जा सकता है पढ़ते पढ़ते मेडिकल से रिलेटेड? हाँ डेफिनेटली, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स भी आते हैं रिसर्च स्किल्स करके. उसमें मेरा इस सेमेस्टर में नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा वो वाला सब्जेक्ट, 8th सेम में. तो उसमें दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, हर एक ग्रुप को एक दिया जाता है टास्क कि कोई टॉपिक पर रिसर्च करने का. सो जा सकते हैं डेफिनेटली, मतलब फ्यूचर के लिए स्कोप है उसमें अगर आपको जाना है. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम 6 साल जो पढ़ते हैं जॉर्जिया में, उसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है या मतलब 6 साल की सिर्फ MD डिग्री देते हो लोग? नहीं, अगर 6 साल का कोर्स है आपका तो इंटर्नशिप 1 साल की जो लास्ट का 1 ईयर है वो इंटर्नशिप का इंक्लूडेड ही रहेगा. ओके. और अगर वहाँ पे सेटल होना चाहे कोई, मतलब ऐसा होता है ना कई होगा कि पढ़ते पढ़ते उनको अच्छा लगने लगता है, हम जॉर्जिया में ही सेट हो जाए, तो उनको कोई लाइसेंस एग्जाम लिखना पड़ता है जैसे कि यूक्रेन में CROC 3 लिखना पड़ता है? यहाँ पे एक्चुअली लाइसेंसिंग एग्जाम होता है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द नेम ऑफ द एग्जाम, बट डेफिनेटली देयर इज अ लाइसेंसिंग एग्जाम. अगर आपको यहाँ पे MBBS करने के बाद यहाँ पे अपना PG करना है, रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, सो देयर इज दिस एग्जाम. अगर आपको रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं करना है तो यूक्रेन में जैसे CROC 2 होता था राइट, फाइनल ईयर में आपके, यहाँ पे देयर इज एन OSCE एग्जाम, जस्ट प्रैक्टिकल वाला एग्जाम रहता है, देयर इज नो CROC और एनीथिंग, देन यू विल गेट योर डिग्री. बट इफ यू वॉन्ट टू रिजाइड योर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, देन यू हैव टू गिव अ लाइसेंसिंग एग्जाम हियर एज वेल. सो यूक्रेन वॉज बेटर एट इट्स ओन प्लेस, जॉर्जिया इज बेटर, बट इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, इट्स लाइक यू एक्चुअली गेट दैट टीचिंग. Teachers, they, you know, actually teach you and everything, and jo exposure aapko milta hai Ukraine ka comparison mein, that is nice.
तो आप जिस यूनिवर्सिटी में हो हमेशा, तो क्या मतलब स्टार्टिंग से प्रोसेस बताओगे कि कैसे कैसे अप्रोच किया, कितना खर्च हुआ अभी तक वहाँ पे सारा सेटल होने में? ओके सो मैं ऑब्वियसली कंसल्टेंट के थ्रू आएगी यहाँ पे वीजा के लिए. हम लोग को बीएफएस जो मुंबई में बीएफएस सेंटर है वहां पे आपको जाना पड़ता है. मतलब आपका एजेंट आपको अपॉइंटमेंट निकाल के दे देगा, डेट एंड टाइम आपको बता देंगे वो. आपको वहां पे जाना है एंड यू हैव टू पे अराउंड 6,000 समथिंग. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्राइस बट 6,000 INR समथिंग आपको पे करना है. देन वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत सबमिट कर देने हैं. फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लेटर हो गया, आपका अकोमोडेशन लेटर हो गया, ये सब सब आपको एजेंट आपका दे देगा. बस उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर योर वीजा. फिर आने के बाद यहाँ पे या इट्स लाइक कि यूक्रेन में आपका TRC पूरा 6 साल का आपको एक साथ मिल जाता है. यहाँ पे ऐसा सीन है पहले आपको 1 साल का मिलेगा, उसके बाद फिर 1 साल बाद आपको उसको रिन्यू कराना होता है. बट इट वॉज रियली गुड, मेरे को कुछ इश्यू नहीं आया. इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं जिनके थ्रू आई हूँ उनके ना दे वर्क हियर ओनली, और उनका यहाँ पे खुद का हॉस्टल भी है. ही इज बेसिकली फ्रॉम गुजरात. यू गेट गुजराती फूड पूरा लंच. अगर आप कुछ और शेयर करना चाहो, या कहाँ बच्चों को सावधान रहना है, किस पॉइंट पे कहाँ नहीं जाना, किस कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाना है, कहाँ पैसे बच सकते हैं, आप बता सकते हो वीडियो में? बस अलर्ट रहो. सब कुछ स्मूथली हो जाता है. मैं जब आ रही थी वहां पे फर्स्ट टाइम, तो मैं तो एक्सपीरियंस जो 3 साल में यूक्रेन में निकाल के आ रखी हूँ, फिर भी वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है. बट ऐसा कुछ है नहीं, सब स्मूथली चीजें हो जाती है. कहीं पे भी कुछ कि किसी चीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या आपका कुछ चीज प्रोसीजर में अटक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए. चलो ठीक है अमीशा, आई होप लॉट ऑफ स्टूडेंट विल गेट अ गुड हेल्प फ्रॉम यू। Yeah, I hope the same.